आज रहेगा शोल्डर वर्कआउट ये तो भाई, जो भी मेरे जैसे पतले भाई लोग हैं और पतले भाई के पास मेरे वाला वीडियो जाता है, मैं भी पतला हूँ काफ़ी और पतला था, तो भाई मैं वर्कआउट हमेशा डेली करता हूँ, तो थोड़ा बहुत तो फिटनेस में हूँ और काफ़ी अच्छा लुक भी है बॉडी का। तो भाई अगर आप लोग भी वर्कआउट करना चाहते हैं भाई, तो मेरे जैसे वर्कआउट को फॉलो करो और भाई बॉडी को मेंटेनेंस रखो और बॉडी को फिट रखो। तो भाई शोल्डर वर्कआउट कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई। दो ईंट से शोल्डर वर्कआउट कर सकते हो भाई, तो ये शोल्डर वर्कआउट के लिए काफ़ी लाभदायक चीज़ है। तो अभी ऐसे भी कर सकते हो, निकाल सकते हो रिप्स, 10 रिप्स निकाल सकते हो जितना निकलेगा। तो मैंने 20 रिप्स निकला, तो ये पहला एक्सरसाइज हुआ, तो काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है। और दूसरा एक्सरसाइज ये रहेगा भाई, ज़्यादा रेस्ट ना लेते हुए एनी टाइम वर्कआउट करते रहो, तो काफ़ी अच्छा मांस पे फीलिंग आएगा, मांस पे लोड आएगा, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। तो भाई मैं रेगुलर करता हूँ इस वर्कआउट को फॉलो, ये रहा। तो मैंने 15 रिप्स निकाला है इसमें भी। और तीसरा एक्सरसाइज ये रहेगा भाई, जो कि काफ़ी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये। तो ये भी मैंने 20 रिप्स निकाल दिया है, तो भाई जितना रिप्स निकाल पाते हो उतना निकालो। और 3 गो एक्सरसाइज बता दिया है, और एक और एक्सरसाइज बहुत अच्छा है जो ये चौथा एक्सरसाइज है, ये भी फॉलो करेगा भाई कंटिन्यू, तो काफ़ी अच्छा लोड आएगा। तो भाई चौथा एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। तो भाई इस रिप्स मैंने 15 रिप्स निकाला, तो कंटिन्यू वर्कआउट करो और देखो भाई लोड आता है कि नहीं। तो लोड काफ़ी अच्छा पड़ता है शोल्डर पर भी और चेस्ट पर। तो भाई वर्कआउट करो और समय को मत कोसो, मेहनत करो भाई। तो भाई ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मैंने वर्कआउट का सेटअप बता दिया है, तो वर्कआउट करो और शोल्डर मजबूत करो भाई। तो कैसे लगा मेरा वीडियो भाई, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना भाई, कमेंट करना, और भाई ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना भाई, क्योंकि भाई ऐसे ऐसा तेरा भाई वीडियो लेकर आता रहेगा। मैं भी पतला हूँ, पहले से भी ज़्यादा था, अब नहीं हूँ, थोड़ा अच्छा वर्कआउट करता हूँ, मैं डेली इस वर्कआउट को फॉलो करता हूँ। तो भाई आप लोग भी करो 2 ईंट के साथ और मजबूत बॉडी बनाओ। तो भाई मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद भाई।